मूवी का रिव्यू सुनो भाई, खामा खा की बकचोदी है और कुछ नहीं। और लोग जो मार्वल से कंपेयर कर रहे हैं, डीसी से कंपेयर कर। तो क्या हाल चाल है आप सबके, आई होप अच्छे होंगे। तो नए दिन की शुरुआत करते हैं व्लॉग के साथ। आज दिन की शुरुआत हो रही है जिम जाने से। जिम के लिए रेडी हो गए हम और आज है थाई। थाई के हैं लक्ष्य और मैं बहुत बड़े चोर ना थाई हम लेते। थाई के दिन हमारी हो जाते हैं या तो छुट्टी या फिर जो है हम जाके चेस्ट वगैरह अगले शेड्यूल पे शिफ्ट हो जाते हैं। बट कल पकड़ लिया भैया ने हमें। कल भैया कहते भाई थाई भाई तुम्हारी एक बार नहीं हुई, तुम्हारा शेड्यूल क्या है? और शेड्यूल बनवाया नहीं हमने थाई का। तो आज जाके जो है थाई सबसे पहले ही जाएंगी। तो चलो चलते हैं। आज वैसे जो है टांगे जवाब देने वाली हैं थाई लग रही, क्योंकि पहली बार थाई ली जाएगी इतने दिनों बाद। चलो चलते हैं। हालत ख़राब होगी भाई, एक महीने बाद थाई ली, हालत ख़राब होगी। बहुत बड़ी गलती है हमारी, स्टार्टिंग से थाई लेते रहते हल्के हल्के चलता रहता। मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद। एक मिनट, मैं तो आराम भी नहीं कर सकता, मेरे को वीडियो एडिटिंग भी करनी है और दुकान भी जाना है। तो चलो उठते हैं। तो दुकान पर आ गया हूँ और इधर चल रहा है फ़ोन से डाटा ट्रांसफ़र। सबसे पहले एडिट वगैरह निपटाते हैं। 8:01 PM। हाँ जी, तो डायरेक्ट ब्लॉग जंप हो रहा है रात को और अब जा रहा हूँ नमन के पास, क्योंकि कल है ब्रह्मास रिलीज और हम दोनों जा रहे हैं टिकट बुक करने के लिए। पता नहीं कल टिकट मिले ना मिले, कुछ पता नहीं, तो अब चलते हैं नमन के पास। अब हमारे नमन सर फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, अब ट्यूशन पढ़ा रहे हो। मतलब ये नमन सर अच्छी थोड़ी बात है, ये ऐसे बच्चों को इंतजार करोगे आप? हाँ जी, तो नमन सर आ गए। मतलब पूरा वेट करा है, फ़ोन क्यों नहीं उठाते तुम हमारा? भाई ऑनलाइन बैच में नहीं उठा सकते फोन, बच्चे पर ना बुरा मान देते हैं कि भाई सर कहाँ चले गए। ऐसा क्यों होता है? नहीं यार, हम नहीं उठाते थे या? एक बंदे को वेट करा सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जो एक से ज्यादा है तो उनको वेट कराना सही नहीं लगता, ठीक है ना? चलो कोई नहीं, समझ सकते हैं हम। हाँ समझ सकते हैं ना, चलो वेरी गुड। हाँ भाई नमन, लोगों को वो टीचर वाला लोग बहुत पसंद आया, बहुत लोग मेरे से कहने लगे। और मेरे पास बच्चे आके कह रहे भैया हमने ना आपको व्लॉग देखा। मैंने कहा अच्छा तुम्हारे पास पहुंच गया? कह रहे हाँ हमारे को फ्रेंड ने भेजा था। कह रहे भैया आपको तो पूरे फेमस कर दिया हमने, सारी जगह पे शेयर कर दिया। लोग मेरे से ये कह रहे भाई टीचर का नाम भी खोल देते। मैंने कहा सुनो, टीचर का नाम खोलने मेरा कुछ नहीं जा रहा, नमन पढ़ा रहा ट्यूशन, ठीक है? मेरा क्या, मेरा तो उस टीचर का नाम खोल दिया, उनके बच्चों के पास पहुंचना चाहिए। अरे देखियो सर के बारे में, देखियो क्या बोलना क्या बोलना, देखियो बस मेरा तो व्लॉग फेमस था। अब और ट्यूशनों के वो ये कहते हैं कि भाई देखियो दूसरे सर के बारे में हमारे क्या बोला। वैसे मैं बताऊँ इसमें ना, जो बच्चे जहाँ पर पढ़ते हैं ना वो सबसे पहला काम ना यही करते हैं। हाँ। वो क्या करते हैं, बैठेंगे सबसे पहले क्लास में, देखेंगे इस टीचर के पास कितने बच्चे हैं। हाँ। और ये टीचर महीने का कितने रुपए कमा रहा है, ये वो पहले ही एस्टिमेट कर लेते हैं। मतलब तो मैं जिन भी टीचर्स की बात कर रहा हूँ ना। हाँ। वो उन बच्चों को ऑलरेडी पता है कि मैं किन टीचर्स की बात कर रहा हूँ। अरे पर नाम नहीं लिया ना। हाँ। अब नाम ले देता तो व्लॉग और फेमस। बस नमन ये था कि तू भी टीचर है, इस चक्कर में हम चुप रहेंगे, कल को हमारे पे भी आ सकती है बात। सही बात है, कल को तुम इतना पैसा कमाओगे तो। हाँ लेकिन मेरे से जल्दी पहले ये कमाने वाला बहुत जल्दी है ना। अगर हम कमाएंगे तो फिर तो स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे सबको पता है। अब मैं मेन बात क्या कह रहा था ना, मैं तेरे से मैं ये कह रहा था कि जैसे तेरे बारे में बोला, मैं तेरे पर ट्यूशन नहीं पढ़ता, अरे देखियो सर के बारे में क्या बोला। मेन वो चीज शहर में तो हर बच्चे के पास पहुंच गया था व्लॉग फिर। बस ये वजह थी, इस चक्कर में लिया नहीं ना वरना। अरे दूसरी चीज ये भी तो है ना कि वो टीचर भी तो कभी कभी ऑफेंड हो सकते हैं ना। हाँ ऑफेंड हो गए तो बढ़िया बात है। नहीं, नहीं। मुझे तो बहुत खुशी है, तेरे को तो खुशी है, मेरे को तो खुशी नहीं। अरे इसी चक्कर में तो बोला नहीं। तो बंद पड़ा तो नमन हमारा पोपट होते हुए चल कुछ नहीं होता, घूम के वॉक हो गई हमारी। वैसे भी हम थोड़े दोनों के दोनों मोटे हुए पड़े बहुत ज्यादा। मैं ज्यादा हूं पड़ेंगे फिर भी छोटा। मेरा पेट निकल रहा है ऐसे ऐसे।
भाई लोगों को हर एंगल से दिखाओ, हम मोटे हो रहे हैं, हो रहे हैं तो हो रहे हैं, क्या हो गया? जिम भी जा रहे हैं साथ-साथ में, लेकिन मैं तो नहीं जा रहा। वो जाकर ढेलो नहीं, क्या हुआ तुम्हारे बाप का खाया है? आगे नहीं, नमन को छोड़ दिया घर, अब अपने घर चलते हैं, मिलते आप लोगों से कल। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज दिन की शुरुआत हो रही है बाइक पे और अब जा रहा हूँ जिम। लक्ष्य नहीं जा रहा, मैं अकेला ही जा रहा हूँ क्योंकि उसको कहीं काम से जाना था, तो चलो अब जिम चलते हैं। आज दिन में वैसे भी बहुत सारे काम हैं, सबसे पहले जिम निपटाते हैं, फिर सारे काम निपटाएंगे यहाँ। चलो। हाँ जी, तो अभी जिम करके आया, हालत ख़राब हुई भाई। एक तो कार्डियो कर लिया, कल का थाई का दर्द अब तक ख़त्म नहीं हुआ था, तो कभी भी थाई को छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे हल्का हल्का लाइट वेट लेते रहो, हमारी तरह बिल्कुल नहीं करना चाहिए वरना हालत ख़राब हो जाती है भाई जब थाई लोगे। अब चलते हैं घर पे, उसके बाद जो काम है वो निपटाते हैं, दुकान जो है लेट ही जाना होगा। चलो पहले घर चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं। हम चले स्कूल, मजाक कर रहा हूँ, अब दुकान पापा को छोड़ने के लिए जाता हूँ, उसके बाद कटिंग शेविंग कराने के लिए जा रहा हूँ, शक्ल देख लो कैसी हो रखी, उसके बाद जाना है मेरे को बहन के साथ शॉपिंग करने के लिए, तो यहाँ व्लॉग अपलोड करते हैं और फिर चलते हैं। हाँ जी, दो व्लॉग अपलोड कर दिए, पौने 11 हो रहे हैं, 11:13 पे पब्लिक हो जाएगा अपने आप। हाँ जी, तो छोटे छोटे बाल करवा के लोना बाबू बन लिए हम, अब नहा धो के अब चलते हैं बहन के पास, 11:30 बजे जाना था, 12:15 यहीं हो गए, हर बार की तरह तुम्हारा भाई लेट है। चलो अब नहाते धोते हैं फिर चलते हैं बहन के पास, उसको शॉपिंग कराने के लिए जाना है। हाँ जी, तो रेडी टू गो, चलते हैं बहन के पास। कितना देर लगाती है तो कितना लेट करती है बहन। की वजह से लेट नहीं है, मेरी वजह से लेट है। क्या कह रही? पार्लर तुम जाओ। हाँ तो कटिंग शेविंग करानी भी तो जरूरी है, इंसान बनना भी तो जरूरी है। चल चल जल्दी चल। कहाँ जा रहा है? आरुष नहीं है, मन नहीं लग रहा? भाई नहीं है तो मन नहीं लग रहा? पहली बार आधे घंटे के अंदर शॉपिंग कंप्लीट कर दी तूने। टैलेंट नहीं, बच्चे को लेने जाना है 1 बजे, वो नहीं बोलने की तू। दो कूपन एक्स्ट्रा है, सेलमैन नहीं से कैशियर नहीं से कह दिया कि ऑफ हो जाएगा। ये बहन जी लगी पड़ी, 1:05 हो गया, लड़का इसका इंतजार कर रहा स्कूल पे। मैं जा रही हूँ। वहाँ के कैशियर ने ये कह दिया 900 रुपये और क्या ऐड कर लो, आपके 1000 रुपये लेस हो जाएंगे, मतलब 2 कूपन लग जाएंगे, मतलब 1500 के कूपन पे 500 रुपये लेस थे। और मैडम इस लादासी में आने के बाद कुछ सामान लेके नहीं आई, कह रही 10 मिनट में आ रही हूँ, बस बच्चे को लेके आ रही हूँ, फिर लूँगी सामान। और अब आरुष को लेने के लिए आए हैं स्कूल से, उसके अब आरुष को लेते हैं, फिर वहीं जाना पड़ेगा अब दोबारा। चलो चलते हैं। उधर दुकान से फ़ोन आया जरे पापा की कि जल्दी आ, और ये मैडम लेट पे लेट करवा रही, डांट पिटेगी और भूल ही गए अंकल। अब और उसको ये नहीं पता मैं आया वो। खुश, बहुत दिनों से कह रहा था ना कि मैं लेने नहीं आया तुझे। हाँ बता, बहुत दिनों से कह रहा था ना, आ गया खुश पूरा। फिर आए और इन्होंने शोर मचाना पूरा चालू कर दिया, कपड़े उतार रखे इसलिए भाग गया। उसे देखो, उसकी अपनी मस्ती चल रही है। बाय अपनी सिद्धि औलाद को, ये वाली को। बाय बाय। तो अब चलते हैं दुकान, 3 बज चुके हैं और अब तक दुकान नहीं किया, खाना वाना खा लिया, पापा खाना ले गया, अब दुकान चल रहा हूँ सीधा। सुबह से ऐसा काम में बिजी, बस क्या बता। चलो अब दुकान चलते हैं। के हाँ जी, तो आ गया घर पे, ये आ रहा था अपनी बहन को लेने के लिए, तो मैं इसके साथ ही आ गया। अब कुछ खाते पीते हैं, 7:30 हो रहे हैं और फिर 10 बजे का हमारा है शो। मैं नमन धोखा ना दे, उम्मीद है डामाडोल सा लग रहा है उसका मामला वैसे। जी तो टाइम बज रहे हैं 10, और लोअर डोअर पहन के सेट सूट हो गए, बस अब चल रहे हैं मूवी। नमन के साथ जा रहा हूँ मूवी, आप लोगों को पता ही है, देख ही लो आज। मतलब नमन के साथ जा रहा हूँ मूवी, लक्ष्य देखा है, लक्ष्य आज फैमिली के साथ गया था और कह रहा बहुत ज़बरदस्त मूवी। अब हम जाते हैं, अब हम रिव्यू करते हैं, चलो। और वो
पंजाबी निकल गई थी, थोड़े बहुत पंजाबी मूवी देख रहा था इसलिए। हाँ जी, तो मूवी शुरू होने में से 5 मिनट नमन पहुंच गया ऊपर, उसको भगा भगा के मैंने कहा तू टिकट ले, क्योंकि उसकी थी ट्यूशन 9:45 में ट्यूशन पढ़ा रहा था, अब मजबूरी ये थी ट्यूशन पढ़ाना भी जरूरी था और मूवी देखना भी जरूरी, तो इसलिए भाग भाग के आया। वो टिकट ले रहा है, मैं ऊपर जा रहा हूँ। कितनी एक्सपेक्टेशन है? एक्सपेक्टेशंस तो वैसे तो थी नहीं, लेकिन जब तूने बोला कि भाई मूवी अच्छी है तो देख लेते हैं जरा कैसी है, चलो मिलते हैं, तारीफ करी दी है। मिलते हैं इंटरवल में, अंधेरा हो चुका है। हाँ भाई नमन, कैसी लगी भाई अब तक की? इंटरवल हुआ है अभी, इंटरवल हुआ है, इंटरवल तक की मूवी बहुत बढ़िया है और उम्मीद है कि आगे भी और बढ़िया होने वाली है। भाई ये बॉयकॉट बॉयकॉट जो चल रहा है ना, ये इनको हटाओ। हाँ। ये नहीं कि खामखा बस। हाँ। नमन के मन में भी डाउट था, पर मैंने इससे कहा कि ऐसा नहीं है, तभी आने को हुआ है। मेरे भी मन में डाउट हो गया था कि चलूँ या ना चलूँ, अगर गिरफ्तार निकली तो अच्छी है। बहुत अच्छी मूवी है, इंटरवल तक देख ली, बहुत प्यारी मूवी है। एंडिंग देखते हैं अभी कैसी चलती है। मूवी का रिव्यू सुनो भाई। हाँ। भाई खामखा की बकचोदी है और कुछ नहीं है कि बॉयकॉट करो, बॉलीवुड को बॉयकॉट करो भाई, कोई ढंगा रीजन। सच में अच्छी थी। हाँ। मेरे हिसाब से देखनी चाहिए और मस्ट वॉच मूवी है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट आया है, सेकंड पार्ट भी आएगा। फर्स्ट पार्ट का नाम शिवा है, दूसरे पार्ट का नाम देव होने वाला है, इतना हमारे को पता चल चुका है। लेकिन अच्छी है ये मूवी, बड़े बड़े स्टार्स उठाए हुए, अमिताभ बच्चन भी है इसके अंदर और बहुत सारे नए स्टार्स भी देखने को मिलेंगे। ज्यादा स्पॉयलर्स नहीं देंगे, बट लेकिन अच्छी मूवी। बट एक चीज हल्की सी जो है जो क्रिंज लगी, वो तो थोड़े बहुत कहीं कहीं पे, वो भी कहीं कहीं पे डायलॉग। हाँ। वरना स्टोरी वगैरह VFX तो बिल्कुल चुम्मा। वो रोमांटिक वो डाल रखा है, वो रोमांटिक खामखा घुसा रखा, वही बॉलीवुड स्टाइल टिपिकल, मतलब वो चीज बीच में गाना डाल देंगे, वो चीज नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ, वैसे स्टोरी वाइज अच्छी है, पहली बार हर स्टोरी देखने को मिली हर जगह। एक सेकेंड, हर जगह अच्छी नहीं लगती है चीजें। हाँ। कि कहीं पे भी गाना घुसा दो, कहीं पे भी रोमांस घुसा दो, मतलब वहाँ ब्रह्मांड को बचाने के बाद चले वहाँ बस स्पॉइलर नहीं देते, छोड़ो क्या क्या हो गया। हाँ। मतलब ये चीजें ना हो ना तो बहुत बढ़िया मूवी थी, गाने ना चल रहे होते तो वो फ्लो टूट जाता है। हाँ। और कुछ नहीं, जैसे और लोग जो मार्वल से कंपेयर कर रहे हैं, DC से कंपेयर, भाई मत करो कंपेयर, वो 2,2500 करोड़ में मूवियाँ बनती हैं, ये 410 करोड़ में बनी, उनके कंपैरिजन मत करो, कुछ फायदा नहीं है। उसके अकॉर्डिंग देखो कितनी अच्छी मूवी बनाई है, VFX का तो जवाब भी नहीं है। कम था लेकिन मूवी बहुत अच्छी बनी थी। हाँ। VFX भी अच्छे हैं, बॉलीवुड के हिसाब से बहुत ज्यादा बजट है, बट ये वाला जो जो उन्होंने जोनर छेड़ा है उसके अकॉर्डिंग बहुत कम है ये। नहीं, बॉलीवुड के हिसाब से भी, हाँ बॉलीवुड के हिसाब से बजट कम है, साउथ वाली की बाहुबली का बजट ज्यादा था। हाँ, जैसे बॉलीवुड का सबसे हाईएस्ट बजट वाली मूवी है 410 की, उसकी सबसे हाईएस्ट। तो यही रिव्यू में यही कहना चाहेंगे कि जो है ना, जरूर देखें, जरूर 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 देखें, और किसी को स्पॉइलर्स ना दे जैसे हमने नहीं दिए। स्पॉइलर नहीं। चलो मिलते हैं बढ़िया अगले ब्लॉग में, मिलते हैं बढ़िया अगले ब्लॉग में। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करके जाना, और नीचे जो है सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर देना। बाय।